नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। भारी गांव में 10 एकड़ भूमि पर गो आश्रय स्थल का निर्माण शुरू हो चुका है। किसानों ने जिलाधिकारी की इस पहल को सराहनीय कदम बताया है। मालूम हो कि प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद से ही गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण अन्ना पशुओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई, तो वहीं कई पशुपालकों ने भी घाटे का सौदा समझ अपने मवेशियों को अन्ना छोड़ दिया, जिसके कारण किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा करना मुश्किल हो गया। किसानों की फसल का अधिकांश हिस्सा फसल सुरक्षा में ही लगने लगा। आक्रोशित किसानों ने सरकार को ही चेतावनी देते हुए स्कूल एवं सरकारी भवनों में अन्ना पशुओं को बंद करना शुरू कर दिया। किसानों के इस कदम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की इस समस्या को लेकर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की और संभावित ग्राम पंचायतों में गो आश्रय स्थलों का निर्माण कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने आनन फानन में गो आश्रय स्थलों को चिन्हित करवाया। उनमें से एक मलासा विकास खंड की ग्राम पंचायत वरावा रसूलपुर के मजरा बाराही को भी चिन्हित कर वहां पर निर्माण कार्य शुरू करवाया जा चुका है। इस गो आश्रय स्थल के बने जाने से आसपास के कई गांव के किसानों का अन्ना पशुओं से काफी हद तक निजात मिलने की संभावना है। जरा हमें बताएंगे कि आपके यहाँ ये जो गौशाला का निर्माण हो रहा है, क्या घाटा संख्या है, कितने एकड़ जमीन है ये? ये सर घाटा संख्या 203 पर निर्माण हो रहा है। इसका लगभग 3.9999 हेक्टेयर भूमि है, उससे ये निर्माण कार्य हो रहा है, गौशाला का निर्माण हो रहा है। जी जी सर, तो अब तो किसानों को काफी राहत मिलेगी। जरूर राहत मिलेगी सर, जो आवारा पशु घूमते आवारा गोवंश है, इसके लिए जो योगी जी की कान्हा आश्रम जो है ये योजना है, इससे जरूर लाभ मिलेगा किसानों को। मैं एक देखा कि आप किस ग्राम पंचायत में मजरा बाहरी में, यहाँ पे ना तो पाठशाला है कोई, ना पंचायत भवन है, इसके लिए कोई प्रयास किया आपने? जी सर, प्रयास किया गया आज से लगभग 4-5 वर्ष पहले, लेकिन उसमें कोई भी सफलता नहीं। आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, इस गांव के बच्चे? आपके गाँव के जो बच्चे कितनी दूरी पे है? लगभग 1 किलोमीटर, वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। आप लोग मतदान कहाँ करते हैं, मतदान स्थल कौन मनाया जाता है? सर यह लोकसभा या विधानसभा चुनाव होता है तो ये प्राथमिक विद्यालय तारनपुर, या ग्राम पंचायत लेवल चुनाव होता है तो ये भरवा रसूलपुर। और कोई आपके यहाँ की समस्या जिसको आप शेयर करना चाहें, शासन तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहे हैं? जी सर, यहाँ पर ना तो कोई एक सरकारी बिल्डिंग है, इतनी भूमि होते हुए भी यहाँ पर कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है सर, जबकि ये राजस्व गाँव है, यहाँ पर होनी चाहिए। कितनी आबादी होगी इसका? होगी 850 सर। 850 वोटर हैं या आबादी होगी? आबादी क्या होना चाहिए, विकास का होना चाहिए सर, स्कूल हो जाए, पंचायत भवन हो जाए, आंगनबाड़ी हो जाए, जिससे इस गांव का विकास हो सके। कोई इसके लिए आपने पहल की, कहीं शिकायतें की आपने? जी सर, जन सुनवाई ऐप पे हमने डाला, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। उसकी जो अनुक्रमांक संख्या होती है वो सब है मेरे पास, पंजीकरण संख्या, लेकिन हुआ नहीं, उस पर कोई सुनवाई नहीं। कानपुर देहात से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।